खरगोन जिले के सेगावा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था का कंप्यूटर ऑपरेटर रसगांव निवासी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। स्वस्थ होकर वापस आने पर ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सेगावा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में पदस्थ ग्राम रसगांव का युवक अपने घर पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने इस कोरोना फाइटर का जमकर स्वागत किया और अपने घर में प्रवेश करवाया। कोरोना संक्रमण के दौरान अपने अनुभव बताते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं उस समय काफ़ी घबरा गया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं यह लड़ाई जीतूंगा और जीत कर वापस लौट कर आऊँगा। इसमें मुझे मेरे परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिला। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो, मैं दिलीप कानूनगा, ग्राम रसगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगोन। मेरा दो रोज तक बुखार आया था। बुखार आने के बाद मैं सेगांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे मुझे गोली दवा दे दी थी और दो रोज़ बाद आने के लिए मुझे बोला गया था। तब मैं वहाँ 13 तारीख को वापस गया तो मुझे गोलियाँ और दे दी और उसके बाद में मेरा कोरोना टेस्ट किया। कोरोना टेस्ट करने के बाद 13 तारीख को सैंपल लिया था मेरा, तो उसकी रिपोर्ट 16 तारीख को रात 11 बजे आई, तो उसमें मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के बाद 17 तारीख को 11-12 बजे के लगभग मुझे जिला चिकित्सालय खरगोन ले गए थे और वहाँ पे मुझे चार रोज़ तक रखने के बाद उन्होंने अच्छे से केयरिंग की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सब कुछ अच्छे से केयर करते हैं, वहाँ दवाई गोलियाँ, फिर दिन में 3 से 4 बार चेकअप करना और जैसे टेम्परेचर, बीपी, ये सब कुछ चेक करते हैं और एक्सरे भी लेते हैं। एक्सरे इसलिए लेते हैं ताकि लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो तो उसका और इलाज अच्छे से होता है, और ब्लड सैंपल भी 3 बार लेते हैं और ये 3 से 4 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वहाँ से छोड़ दिया जाता है और वहाँ 4 रोज़ रखते हैं। उसके बाद में 3 रोज़ क्वारंटाइन दामखेड़ा में जो मल्टियाँ बनी है वहाँ पर रखते हैं। वहाँ पर भी अच्छी सुविधा है और हॉस्पिटल में भी अच्छी सुविधा है। खाने पीने के लिए 2 टाइम खाना मिलता है, सुबह चाय मिलती है, काढ़ा मिलता है, दूध और बिस्कुट मिलता है, और फिर खाना भी 2 टाइम अच्छे से आता है। और दामखेड़ा में भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी एयर कंडीशन में रखते हैं। प्रत्येक कोरोना पेशेंट को वहाँ पर एक एक फ्लैट दिया जाता है जिसमें हॉल, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बेडरूम सब कुछ होता है। वहाँ पर भी सुबह चाय आती है, फिर उसके बाद में दूध आता है, उसके बाद में नाश्ता आता है और नाश्ते के बाद में खाना आता है। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छी सुविधा है हॉस्पिटल में भी, और जहाँ क्वारंटाइन करते हैं वहाँ पर भी डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, चपरासी, जितने भी सब लोग होते हैं वो सब अच्छा व्यवहार करते हैं। किसी पर कोई गुस्सा नहीं करते, भैया भैया कर बातें करते हैं, और किसी की भी जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वह व्यक्ति थोड़ा मतलब घबराहट उसकी चालू हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर पूरी तरीके से हमें रिलैक्स करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 रोज में तुम सही हो जाओगे, तुम्हारी सारी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई डरने की कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे वो लक्षण है तो वो जाए अपना टेस्ट करवाए और पूरा का पूरा इलाज ले और स्वस्थ होकर घर आए, उसके बाद में घर वालों को भी कोई डरने की जरूरत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।